हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले निकाली जा रही किसान न्याय यात्रा आज जिला कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग 352 ए 152 डी 344 एम आदि के निर्माण में जमीन अधिग्रह के उचित मुआवजे, फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, SYL नहर का पानी आदि मांगों को लेकर किसान लंबे समय से किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार से कोई सकारात्मक जवाब न मिलने के कारण किसानों ने रमेश दलाल की अगुवाई में यात्रा पिहोवा पहुंची। काफी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 352 ए व 344 एम के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रह में कुरुक्षेत्र के पिहोवा क्षेत्र में आने वाले गांव की जमीन का मुआवजा 5 करोड़ व अन्य गांव की जमीन का मुआवजा कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए। हमारी किसानों की यात्रा है, ये सर छोटू राम के जन्म स्थली गढ़ी सापला से चली है और हमारी जो मुख्यमंत्री हमारी जो मुख्य मांगे है, जैसे कि दलाल साहब हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 152 डी जो नेशनल हाईवे है और 354 जो नेशनल हाईवे है, इसका जो लोग हमारे किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी सरकार द्वारा की जा रही है और कानून को अनदेखा करके इनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, उसको रोका जाए। और जो इन्होंने कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मौजूदगी में, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मौजूदगी में किसानों के साथ की है, उस कमिटमेंट को मद्देनजर रखते हुए किसानों सारे किसानों के जिला कुरुक्षेत्र करनाल जिनके जो किसान रह गए हैं उनके अवार्ड को रिवाइज करके उनको सही मुआवजा कानून के मुताबिक दिया जाए, जो कि 2 करोड़ पर एकड़ से ऊपर बनता है। अगर सरकार आपकी मांगें नहीं मानती तो आप किस तरह का आंदोलन करेंगे? तो यदि सरकार हमारी आज हम 8 महीने से श्री रमेश दलाल जी इस संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी यहाँ पे पिछले 20-25 दिन से यहाँ धरने पे दिन रात बैठे हुए हैं, यदि फिर भी माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांगों को विचार नहीं करने के बारे में सोचते हैं तो फिर इसके लिए अगली रणनीति बनाई जाएगी। जैसे कि दलाल साहब ने बताया कि सारे विपक्ष को इकट्ठा करके किसानों के हक की लड़ाई जहाँ तक भी होगी हम अपनी जी जान से लड़ेंगे।